सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फॉर ड्रीम्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिछली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास में हम पिछली क्लास की तरह डायरेक्शन ही शुरू करेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन वन मेरे साथ साथ उतारते जाइए। प्रबीर स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ। ही टुक अ राइट टर्न After walking 10 meter, he again took a left turn. After walking 20 meter, In which direction is he facing now? Now, ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का, तो मुझे इसका आंसर करके बताएं जल्दी से। चलिए इसका आंसर करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। देखिए इसका आंसर जो है, बोल रहा है कि प्रवीर जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है। आपको पता है साउथ नीचे की तरफ होता है और साउथ की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है 10 मीटर। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 10 मीटर साउथ की तरफ प्रवीर जा रहा है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है कि वो एक राइट टर्न ले लेता है और कितना चलता है, सॉरी इसमें पहले बोला है कि वो साउथ की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है। यहाँ पे 10 मीटर है ना कि यहाँ पे, तो पहले वो साउथ की तरफ जा रहा है और उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है, जो कि राइट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में लेगा, फिर वो वेस्ट में चलने लग जाएगा, वेस्ट में जाने लग जाएगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर से वो साउथ की तरफ जाएगा। और अगर वो फिर से साउथ की तरफ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 20 मीटर वो जाता है नीचे, 20 मीटर जा रहा है नीचे, पहले वो साउथ की तरफ जा रहा था नीचे, उसके बाद वो राइट मुड़ा वेस्ट की तरफ मुड़ गया, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न मुड़ा जो कि साउथ की तरफ टर्न फिर से ले लिया साउथ की तरफ, और अब पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। बताओ इतना इजी क्वेश्चन आता है, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सबको पता है साउथ की तरफ, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सिंपल ऑप्शन में साउथ होगा। तो इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, साथ साथ उतारते रहिए मेरे। मोहन वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। टुक अ लेफ्ट टर्न, ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड, कितना चलता है फिर 20 मीटर। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 40 मीटर। हाउ फार
एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ नॉर्थ की तरफ वो 40 मीटर चलता है उसके बाद क्या बोल रहा है टुक अ लेफ्ट टर्न नॉर्थ में 40 मीटर चलने के बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है 20 मीटर चलता है उसमें नॉर्थ में 40 मीटर चलता है उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और उसके बाद वो 20 मीटर चलता है लेफ्ट टर्न लेकर ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न और वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है अब वो 40 चलता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है जब वो चल रहा था शुरुआत करी थी उसने तो वो ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर मुझे करके बताएं जल्दी से चलिए इसका आंसर करते हैं देखिए मोहन जो है पहले नॉर्थ की तरफ चल रहा था और कितना चला उसने 40 मीटर सिंपल 40 मीटर जाने के बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ जा रहा है लेफ्ट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में होगा यहां पे कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन सिंपल अच्छा लेफ्ट टर्न उसने लिया 20 मीटर चला अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है एक लेफ्ट टर्न लेगा अब वो साउथ की तरफ चलेगा और कितना चला 40 मीटर ही चला यहां भी उसने बोला लेफ्ट टर्न लेके फिर से 40 मीटर चला तो आपको अब आपको ये बताना है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके चल रहा है सिंपल सी बात है नीचे की डायरेक्शन की तरफ चल रहा है तो साउथ डायरेक्शन में चल रहा है ये आपका एक पॉइंट हुआ आंसर का दूसरा पूछ रहा है कि कितना दूर है वो इनिशियल पॉइंट से यानी कि शुरुआती पॉइंट से तो शुरुआती पॉइंट से कितना दूर है वो ये भी 40 था तो ये भी 40 ही है यानी कि ये दोनों गैप जितना होगा ये इक्वल होगा इसके बराबर तो कितना दूर है 20 मीटर दूर है काफी इजी क्वेश्चन था 20 मीटर दूर है पहले पॉइंट का आंसर और साउथ डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है तो ये आपका दोनों पॉइंट आंसर हो गया इसमें तो चलिए इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं दिनेश वॉक्स 50 मीटर ईस्ट एंड देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 30 मीटर चलता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि दिनेश जो है वो चलता है 50 मीटर ईस्ट में दिनेश चल रहा है एंड देन ही टर्न टू द राइट एंड उसके बाद वो राइट टर्न मुड़ जाता है और कितना चलता है ईस्ट में जाने के बाद 50 मीटर उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और 30 मीटर चलता है जैसा कि वो बता रहा है 30 मीटर जाने के बाद राइट लेने के बाद Now in which direction is he from his starting point? तो वो किस direction में है वो पूछ रहा है तो मुझे इसका आंसर करते हुए बताएं और कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा
करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले दिनेश जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और 50 मीटर जा रहा है। जब ये एरो मैं लगाऊं तो आप समझिएगा कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, 50 मीटर वो जा रहा है इस डायरेक्शन में। उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और कितने मीटर चलता है, 30 मीटर उसके बाद वो चलता है। नेक्स्ट, अब वो पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, यानी कि अगर हम शुरुआती पॉइंट से देखें तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन से अगर देखें तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन जो होती है वो होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपका आंसर साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसको कहा जाता है। तो ये है आपका आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इससे भी। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर चल रहा है, देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फिर मुड़ता है और कितना चलता है वॉक्स, 3 किलोमीटर, देन उसके बाद ही टर्न साउथ, उसके बाद वो साउथ में टर्न करता है एंड वॉक्स, और कितना वॉक करता है, 5 किलोमीटर, उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलता है, देन उसके बाद अगेन दोबारा से वो ही टर्न वेस्ट, उसके बाद वो दोबारा से वेस्ट में जाता है और कितना चलता है एंड वॉक्स, 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में वो 2 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद कह रहा है देन टर्न नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है वो और कितना चलता है, 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स साउथ, उसके बाद वो साउथ की तरफ चलता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, देन अगेन ही टर्न वेस्ट और उसके बाद वो फिर से वेस्ट की तरफ मुड़ता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और चलता है, फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ, उसके आखिरकार वो नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और चलता है 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछता है कि इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है आखिरकार, आखिर में। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा उलझा हुआ है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएं और इसका आंसर बताएं कमेंट करके। चलिए इसका आंसर करते हैं हम। देखिए सबसे शुरू में उसने बोला है कि वो जो है ईस्ट की तरफ
2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है, दो मीटर चल रहा है, यानी कि इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, 2 मीटर वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चल रहा है, उसने बोला है 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, तो यही होगी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो 3 किलोमीटर यहाँ वो चल जाता है, 3 मीटर यहाँ पे चलने के बाद उसने बोला है कि वो अब साउथ की डायरेक्शन में मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है, एक तरह से आप कह सकते हो लेफ्ट मुड़ जाता है, और कितने मीटर चलता है ये, यहाँ पे 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है, उसके बाद वो 5 मीटर चलने के बाद उसने बोला कि वो राइट मुड़ जाता है, या फिर वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन में मुड़ेगा 2 मीटर, 2 मीटर की बात हुई है। अब उसने बोला कि फाइनली उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन यानी कि राइट मुड़ना पड़ेगा, और कितना चलता है वो आखिरकार, 6 मीटर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सिंपल, थोड़ा सा उलझन भरा क्वेश्चन है पर ईजी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं पेपर में। अच्छा इसमें मीटर नहीं, इसमें किलोमीटर है, तो आप एक बार चेंज कर लीजिएगा, एक ही बात है, अगर जो भी आए पेपर में जिस तरीके से आए आप लिख लेना, मीटर आए किलोमीटर। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और पिछले वीडियो में हमारी कुछ वीडियो प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी शुरुआत में, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, और थोड़ी सी वीडियो प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके क्वालिटी के लिए, क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा सही आए, क्वालिटी सही आए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करते हुए अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है वीडियो तो इसको लाइक करें प्लीज़, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला पाएँ, ऐसी ही और लाभदायक वीडियो रहेगी आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, राम स्टार्ट करता है फ्रॉम अ पॉइंट किससे, ए से, एंड वॉक्स 6 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो टर्न करता है लेफ्ट की तरफ, एंड वॉक्स कितना, 8 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर अप टू द पॉइंट डी, पॉइंट डी तक। अब क्वेश्चन पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, किस डायरेक्शन में राम फेस कर रहा है, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है कि राम स्टार्ट करता है फ्रॉम अ पॉइंट ए, ए पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से अगर वो स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 6 किलोमीटर टू द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट को टर्न करता है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ अगर वो टर्न करेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, वेस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि नॉर्थ में जब जा रहा है तो 6 किलोमीटर चल रहा है और लेफ्ट मुड़ते ही 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलेगा, देन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है यानी कि साउथ आ जाएगा उसके बाद, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर अप टू द पॉइंट डी, यानी कि 12 किलोमीटर चलने के बाद पॉइंट डी आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, तो किस डायरेक्शन में राम फेस कर रहा है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करके बताइए एक बार, आप मेरे को आंसर करके बताइए कमेंट इसमें, हम इसका आंसर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, आप भी सॉल्व करिए।
ये तो देखते ही हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि राम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 6 किलोमीटर, उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है वेस्ट की तरफ और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे सिंपल, यहाँ तक सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न ले रहा है और कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। यही बोल रहा है सिंपल, 12 किलोमीटर चलता है। और अब वो पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है। काफी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसी टाइप के, बोला किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो सिंपल साउथ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है, साउथ आंसर हो जाएगा आपका। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि इतना इजी क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी कई पेपर दे रखे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। इस लेवल से थोड़ा हार्ड हो सकता है, जो कि मैं भी अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी भी, और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे पेपर के लिए। और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाएं और वीडियोस के सेक्शन में जाकर वीडियोस चेक करें कि ये कौन सी पहले कौन सी डायरेक्शन की वो थी क्लास थी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता है, यार थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो कम से कम लाइक तो करें, शेयर करें, कम से कम लाइक करके बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है, तो क्योंकि ऐसे ही हमें मोटिवेट होंगे, ऐसे ही हम मोटिवेट होते हैं इसको देखकर, आपके कमेंट्स पढ़ के। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप इतने लोग हमें प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच।